अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की तैयारी हमारी झटपट तैयार हो रही है। मैंने एक पाव दही ली है और उसे थोड़ा नमक और काली मिर्च डाल के उसको थोड़ा पतला बनाया है, मतलब पानी ज़्यादा डाला है। इसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची डाली है, इसके अलावा कुछ नहीं डाला, नमक और काली मिर्च। और इसको एक रायते की तरह मैं इसे अच्छी तरह बैठ लूँगी। इसमें मैं एक कप के आलू डाल रही हूँ और दही मैंने पतला इसलिए रखा है, ज़्यादा थिक नहीं रखा, क्योंकि ये जो मैंने दही बूंदियाँ बना के रखी हुई थी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। और इसे मैं पानी में नहीं भिगोऊंगी, इसे मैं दही जो मैंने पतला किया हुआ है ये मैं डायरेक्ट इसमें डालूंगी। और ये देखिए अभी इस वक्त ये पतला है, लेकिन थोड़ी देर में ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और पानी से वो थोड़ी नरम नरम हो जाती है, वो हमें नहीं पसंद। तो मैं सीधा इसे डायरेक्टली डाल रही हूँ और ये बहुत मज़े का इसमें प्याज और हरी मिर्ची और टमाटर का टेस्ट आता है। और ऊपर से मैं इमली की चटनी डाल रही हूँ, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। और चाट मसाला हम डाल के हमारी क्विक सी दही बूंदियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं पट्टियाँ बना रही थी, मांडा पट्टियाँ थी, मैं पापड़ी बना रही थी, तो बस मुझे ख्याल आया कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो थोड़ी सी मांडा पट्टियाँ मैंने लंबाई में कट की और ये जो मैंने खजूर का पेस्ट बनाया हुआ था, रोल जो बनाया हुआ था, इसको मैंने थोड़ा सा इसमें रखा और इसे समोसों की शक्ल में बना लिया। तो ये एक मीठा सा डिज़र्ट था, बच्चों ने बड़े शौक से उठाए कि ये खीमे के समोसे हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा ये अरेबिक समोसा है, और फिर बच्चे ने खुशी से खा लिए। अब मैं ये बना रही हूँ चीज़ पोटैटो, और मैंने फ्राइज़ बना लिए। गरम गरम फ्राइज़ के ऊपर ही मैंने एक चीज़ स्लाइस रखा और उसके ऊपर दोबारा फ्राइज़ डाले और थोड़ी सी मैंने हरी प्याज डाल दी, और अब दोबारा से चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ और उसके बाद फिर फ्राइज़ डाल दिए। अब ये चीज़ फ्राइज़ हमारे गर्म है तो ये चीज़ हमारी खुद को खुद मेल्ट हो जाएगी, और अगर ना हो तो आप इसे चंद सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ऊपर से मैं गार्लिक मायोनीज़ डाल रही हूँ, केचप डालूंगी, और ये हमारे मज़ेदार से चीज़ पोटैटो तैयार है। देखने में भी मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी बहुत यम्मी से लग रही है। ये चीज़ और मायोनीज़ और केचप का भी थोड़ी देर में बिल्कुल मिक्सर तैयार हो जाएगा। ये हमारे समोसे मज़ेदार से पूरे तैयार हैं, जिसमें मैंने खजूर का मिक्सर बनाया हुआ है, ये खजूर के लड्डू हैं मेरे, और मज़ेदार से चीज़ पोटैटो तैयार हो चुके हैं हमारे, फ्रूट तैयार है। ये मैंने मांडा पट्टी की ही पापड़ी तैयार कर ली थी दही बूंदियों के लिए, क्योंकि सब पापड़ी मौजूद नहीं थी तो मैंने वही फ्राई कर ली है। और इमली की चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे तो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जो इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।